आपकी स्थिति हमने पैदा करना चाहते हैं, इसलिए हमने 3 दिन पहले कर ली और इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि 22 तारीख को सारा कट्टर गांव एकदम मजबूती के साथ उतर अपने इस लड़ाई में भारत ले। और ये 22 की जो रैली है उसी मैदान में जिसमें महीने के अंदर अंदर हुड्डा ने भी और मोदी ने भी रैली करी, वो तो करके आए कुर्सी पे। और मेरे ख्याल से आपका ने तो आज तक ही है ऐसी ऐतिहासिक संख्या में हमें उत्तराणा से चलना पड़ेगा कि हरियाणा के आगे उत्तराणा और उत्तराणा के आगे हरियाणा, पूरा प्रदेश देखता रह जाए क्योंकि जोश और जज्बे के साथ एक एक कार्यकर्ता वहां पर। अभी मैं बड़ौदा पूछ रहा था, मैं पिछली रैली में कितने साधन गए थे, कहते 4, और मैंने इस बार कितने कांड हो गए, कहते 8 बसों की बात करी। अब आप लोगों के ऊपर है, खटखट तो वो काम था जो हमेशा जीत रैली का, तो मुझे याद है मेरे ख्याल से बसे और गाड़ियों की भी जरूरत नहीं थी, सारे ट्रैक्टर रैली होने गए थे। अब लंबा सफर है, घंटे का सफर, मगर आपसे भी निवेदन है, हमारा कम से कम टारगेट ये होना है कि उठाना हल्के से हम 5 से 10 हजार के कार्यकर्ता और एक माहौल जीत की तरफ से रोहतक में बना के आए जो फिर प्रदेश के अंदर एक माहौल बना दे की आगे सरकार जननायक जनता पार्टी की। साथियों मैं आज सुबह से हल्के में 4-5 गांव को वो थे जहां यात्रा होगी, मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ मुख्यमंत्री ने शुरू ऐसे करी होगी हल्के में, मैंने घर से काटने वाले एपिसोड के बाद आया एक चीज बताओ, किसी को गांव में ये पेरा लग गया कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद देने आया था लेने आया था। आज तो ये हालात है प्रदेश के अंदर जो आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं वो लोगों के पास यह जवाब नहीं है कि प्रदेश को 4 बार क्यों दिलाया, ये जवाब नहीं है कि प्रदेश में 80 लोगों की जान क्यों गई, ये पता कि हमारी बेटी आज सुरक्षित क्यों भी है, हर रोज 3 रेप की घटनाएं क्यों दर्ज होती है, ये भी पता उन लोगों को 5,000 करोड़ रुपए खदानों में चोरी हो गए, 1,000 करोड़ रुपया किलोमीटर स्कीम में रोडवेज में घपला हो गया, 100 करोड़ रुपए बिजली के मीटर लगे हुए खंभों पर इसके अंदर घोटाला हो गया, 25 करोड़ रुपए तो हमारे SC ST भाइयों के बच्चों की छात्रवृत्ति में खा दिया और फिर ये लोग आशीर्वाद मान गए। आज इनको जवाब देने का समय आ गया और जवाब जाओ चढ़ा की बात आती है, पहला गांव आपका है, कट्टर से शुरू होते हैं दिल से निकले तो आज आपकी जिम्मेवारी है, नाता यही लगाना पड़ेगा अगर चाहते हो कि इस प्रदेश को बीजेपी से बचाया जाए तो फिर 2014 लोकसभा में जो कट्टर ने नाता लगाया था कहीं ना कहीं वैसा जोश और नाका आपको लगाना पड़ेगा। आज मैं देख रहा था कई ऐसे टीम के मेंबर है जिनके मुंह पे आज रौनक दी जैसे तिवाड़ी सी बन रही है, भाई सच्चाई है कल पीछे आ जाओ तो शक्ल मेरे भी क्यों मुरझा ही रहती है, ठीक है तो ये रौनक जो है ये अपने आप विरोधी होकर छक्के छुड़ा देंगे और ये मुमकिन कब होगा जब आप सारे मिलके इस मैदान को संभालोगे डांटोगे और झंडा गाड़ोगे। बहुत से लोग हैं जिनके लिए बीजेपी दुश्मन नहीं है, उनके लिए तो टारगेट आप हो, इसने रोक दो। आज सुबह सुबह जब मैं पहले गांव में आया तो कई साथी पूछने लगे थे चुनाव लिस्ट आउट कर दी हरियाणा का नहीं आया, अगर कोई शक है अभी आया हमारे मतलब क्या साथी पूछने लगे ये तो बता दो हरियाणा से लड़ेगा कौन, मैंने
मैंने ये बताओ गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो सके मैं खाऊं लड़ेगा और कोई मैदान अब इस मैदान को डाट लो मजबूती से झंडे को पकड़ के घर घर जाकर रेडी का नुकसान निमंत्रण दे के आओ मैं तो आग्रह करूंगा कोई साथी आज लोग में रह गया वो सारे आते कम से बैठे एक एक दो दो गेड़े मारोगे वो तो सारे आएंगे यहाँ।